गरुड़ विष्णु की वो स्टैचू जो कि 121 मीटर हाई है और इसका पेडेस्टल जो है वो 46 मीटर का तो उसका पेडेस्टल है। तो आज है तारीख 18 जून 2019 और अभी हम लोग इस समय उबुड में हैं। उबुड से आज हम लोग जाएंगे कोटा, क्योंकि कोटा से ही फ्लाइट लेनी है, तो बाकी का टाइम हम लोग वहीं स्पेंड करेंगे। जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वो वाकई में बहुत अच्छा हॉस्टल है, हम लोग ने हॉस्टल चेंज कर लिया था। हम लोग आ गए हैं, कौन सा हॉस्टल का नाम है, महाना मुआ हॉस्टल में आ गए हैं। और हॉस्टल एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ तो बालकनी से पहले व्यू देख लीजिए। तो 250 रुपये के हिसाब से इससे बढ़िया डील तो नहीं मिलेगी। ये हॉस्टल बेसिकली कंस्ट्रक्शन में भी चल रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सस्ते में शायद इसलिए मिल गया। और इसको हमने बुक किया था booking.com से। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और लगेज यहाँ पीछे मसाज शॉप है वहाँ रख दिया है, और यहाँ मसाज काफ़ी चीप है। यहाँ पर उबुड में मैंने मंकी फॉरेस्ट कवर नहीं किया, क्योंकि मंकी क्या है हमारे यहाँ बहुत कम है, तो ये हम लोग के लिए तो ये एकदम नॉर्मल चीज है। और मेरे पीछे है उबुड पैलेस। ये यहाँ का सेंटर लोकेशन है और यहाँ पर अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त अभी गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसके साथ बैठूंगा और वहाँ से जाऊँगा कोटा। तो हम लोग अभी इस समय कोटा पहुँच चुके हैं, उबुड से निकले हुए 1 घंटा हुआ और यहाँ पहुँच गए। और ये थी हमारी गोजेक की टैक्सी जो कि चार्ज की हमसे 1400 इंडियन करेंसी में। और हम लोग हॉस्टल में आ गए, जो कि हॉस्टल का नाम है इंटर कनेक्शन कोटा। तो हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ गरुड़ा कल्चरल पार्क, जो कि अभी रिसेंटली बना है, वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि क्या क्या है करने को। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। गोजेक ऐप से मैंने बाइक टैक्सी ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ गरुड़ा विष्णु कल्चरल पार्क में। Yes, one ticket please. Yes. What is this? Welcome drink, okay. तो भाई टिकट ले लिया मैंने, टिकट लगभग पड़ा है मुझे 125,000 का पड़ा है। Going to number 8 to get your welcome drink, okay? Okay. So which way? Here and go up there. Oh, stairs up there and turn right. Okay. Thank you. You're welcome. तो सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा वेलकम ड्रिंक, तो वेलकम ड्रिंक लेने जा रहा हूँ और देखता हूँ। अभी ये पार्क सुना है मैंने, बहुत नया बना है और कंस्ट्रक्शन में ही है। तो इधर तो खैर काफ़ी चढ़ाई, अभी पहले जा रहे हैं वेलकम ड्रिंक लेने के लिए। और ये शटल बस है, बट आई थिंक ये चार्जेबल है, पैसा देना पड़ेगा तब आपको ये पहुँचाएगी आगे तक। खैर मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं वेलकम ड्रिंक पीने, जो कि इसमें इंक्लूडेड था। वेलकम ड्रिंक फॉर, ओके। तो आइस टी मिल रहा है वेलकम ड्रिंक में। तो भाई साहब बढ़िया आइस टी पीने के बाद निकल रहे हैं हम लोग स्टैचू को देखने, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है मेरे पीछे।
इसको स्कैन कर रहे करना है और बस आगे बढ़ना है। तो बस ये एक टिकट है, इसको स्कैन करके हम लोग अंदर आ गए हैं और जा रहे हैं गरुड़ स्टैचू के पास। बेसिकली जो स्टैचू है ये विष्णु भगवान का है और विष्णु भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठे हैं, तो यही है स्टैचू में। और काफ़ी बड़ी है स्टैचू, ये आई थिंक 75 मीटर बड़ी है स्टैचू ये, और बहुत दूर से दिख रही थी। मतलब अब जब आज हम लोग ऊपर से आ रहे थे तो बहुत दूर से ये स्टैचू दिख रही थी और बहुत प्यारी सामने दिख रही, मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे गार्डन है, आप लोग चाहें तो वहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं जो लोग भी हैं, बट मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं यहाँ बैठ नहीं रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर डेस्टिनेशन यानी कि जो स्टैचू है उस तरफ। तो मेरे पीछे प्लाजा गरुड़ा की स्टैचू और सामने से कुछ ऐसा नज़ारा। तो ये जो स्टैचू है ये टोटल 121 मीटर्स हाई, और इसमें गरुड़ जी का जो स्टैचू और विष्णु भगवान का स्टैचू के साथ ही साथ जो पेडिस्टल उसको इंक्लूड करके ये वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट स्टैचू है। तो सबसे पहले तो अपने भारत में है भाई, वो तो गजब की है स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दूसरे नंबर पर है स्प्रिंग बुद्धा, जो कि मुझे पता था चाइना में है ये। तीसरा मुझे नहीं पता था, तीसरा म्यांमार में है, ओके। एंड ये फोर्थ है जो 120.9 मीटर हाई है और ये है इंडोनेशिया में, और मैं यहाँ से एकदम क्लियरली देख पा रहा हूँ स्टैचू, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी भव्य लग रही है, दिखाता हूँ। अरे मैं तो उल्टा ही चला जा रहा था, रास्ता इधर है, ये लिखा हुआ इधर, एक्सेस टू GWK स्टैचू 800 स्टेप्स। तो 800 स्टेप्स चलने हैं, तो तैयार हूँ मैं, चलता हूँ 800 स्टेप्स। फूड ट्रक्स हैं, आप चाहें तो कुछ खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। आज एक्चुअली यहाँ आने में लेट हो गया क्योंकि हम लोग उबुट से लेट निकले कोटा के लिए, तो ये एयरपोर्ट से ये लगभग 10-15 किलोमीटर ही दूर है जो ये कल्चरल पार्क है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ करने का है, तो आने से पहले ज़रूर रिसर्च करके आएँ क्योंकि आप नहीं चाहें कि यहाँ आप अंदर आएँ और कुछ आप मिस करें। बाकी अब मैं बढ़ रहा हूँ, अभी भी टाइम है काफ़ी पहुँचने में। तो मेरे पीछे है गरुड़ विष्णु की वो स्टैचू जो कि 121 मीटर हाई है, और इसका पेडेस्टल जो है वो 46 मीटर का तो उसका पेडेस्टल है, और जो उसके विंग्स हैं वो 64 मीटर तक विड्थ है इसकी, इनके विंग्स की वजह से। बाय बाय, चढ़ाई तो है खैर अच्छी खासी ऊपर जाने तक के लिए, लेकिन ठीक है चलते हैं इतना। है ना एकदम बढ़िया। तो ये जो स्टैचू है इसका कलर है ग्रीन कलर का, वैसे ही बनी है स्टैचू कॉपर की, तो जब कॉपर रिएक्ट होता है ऑक्सीडाइज होता है तो ये ग्रीन कलर फॉर्म कर देता है, तो वही है ये स्टैचू का कलर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। यहाँ पर लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो स्टैचू है वो हमारे इंडिया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो बोल कर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके पास अगर फोर्थ तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, तो ये अच्छा है। ऐसे स्टैचू बनने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बनने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है टूरिज़्म बढ़ता है। जैसे खुद मैं यहाँ टूरिज़्म के तौर पर ही मैं आया यहाँ पर, मेरा दोस्त आया यहाँ पर पहले, फिर उसको देखकर मैं आया कि यहाँ पर चलते हैं भाई, बहुत अच्छी जगह है, एक दिन तो यहाँ गुजार सकते हैं, एक शाम गुजार सकते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि पैसे का वेस्टेज है, मुझे लगता है कि पैसे का वेस्टेज अगर आप इनिशियली देखें तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टूरिज़्म को अगर इफेक्ट कर रहा है, टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इनकी कंट्री को इंडोनेशिया को आ रहा है, तो अच्छा है। और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट जल्दी से स्टार्ट हो इस मूर्ति के ऊपर,
जैसे कि इसको देख सकूं। और उसके बाद एक केकैक डांस है जो कि उलुवाटू में भी हमने देखा था, उसी तरह का कुछ डांस शायद यहाँ पर भी परफॉर्म होगा, तो वो भी जाएंगे देखने हम लोग। तो ये जो स्टैचू और ये पार्क है, बेसिकली ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, क्योंकि हर कंट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, बट इनका शायद कुछ खुद का सोसाइटी या कुछ ग्रुप है, तो उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया और इसको बनाया। ये यहाँ पर एक काम करते हैं भाई साहब, उन्होंने मुझे ये खबर दी, और अभी वो लगे हैं फ़ोटो खींचने पर, और उन्होंने बोला मुझे कि वो इस गाड़ी से मुझे ड्रॉप कर देंगे नीचे तक, जहाँ पर अभी केकैक प्रोग्राम एक हो रहा है। तो बस, और लाइट जल गई जैसा कि अभी देख सकते हैं हम लोग, कैमरे में शायद उतना अच्छा ना आ पाए, लेकिन असली में देखने में तो खैर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है, मतलब मस्ट डू है ये। अगर आप बाली आ रहे हो तो इसको ज़रूर देख के जाएं, और टिकट भी बहुत महंगा नहीं है। इसको क्लूक से बुक करेंगे तो मुझे तो ये क्लूक में 513 पड़ रहा था, और वैसे ये पड़ा है मुझे 625 इंडियन रुपीज़ का। ये जो स्टैचू बनी है, ये अलाम सूत्रा नाम के कोई कंपनी ने ख़रीदा था गवर्नमेंट से, तो वही, और ये भाई साहब मुझे छोड़ रहे हैं नीचे तक। थैंक यू सो मच। या और एक चीज़ गौर किया है मैंने कि यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम थी, मतलब अगर अपने इंडिया में होते तो खैर बहुत भीड़ रहती। तो यही डिस्कशन चल रहा था उस गाड़ी में, वो भाई साहब हमसे कर रहे थे लगातार, एंड काफ़ी खुश थे हमसे मिलकर, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप भी किया, काफ़ी बातचीत हुई, कई लोग थे अंदर गाड़ी के, तो पूरा यहाँ तक ड्रॉप किया। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ डांस शो देखने के लिए। जो हम लोग ने उलुवाटू देखा था, और उलुवाटू पता है इसको देखने के लिए हम लोग ने एंट्रेंस फीस के अलावा अलग से 500 रुपये का टिकट लिया था, बट यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर उसी टिकट में इंक्लूडेड है आपके, जो आप टिकट मेन एंट्रेंस पे एक ही टिकट आपको लेना है। तो एक टिप, अगर आप उलुवाटू जा रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो आप उलुवाटू में वो शो मत देखना रात को जो कि 500 पर ले रहा है, उससे बढ़िया और उससे पास में आप यहाँ बैठ के इन्जॉय कर सकते हो और बढ़िया व्यू के साथ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट कि आप लोग आएँ अगर यहाँ पर, तो यहाँ का देख के जाएँ। शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होता है यहाँ पर केचक डांस, और उलुवाटू का नहीं देखना है, याद रखना है। तो बस अब मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसको, तो मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ, और काफ़ी प्यास लगी हुई, जागता हूँ, कुछ पानी वानी खरीद के पीता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक स्टैम्प मार रहे हैं, कि जैसे कि आप बाहर आ गए हैं तो आप एक स्टैम्प देख सकते हैं हाथ में मेरे मारा उन्होंने, और उसको एक लाइट के उसमें ही देखा जा सकता है। व्हाई डिड यू पुट अ स्टैम्प ऑन माय हैंड लाइक दिस? व्हाई? यू कैन गो बैक इनसाइड। या या यू कैन डू द स्टैम्प। ओके, सो आई हैव टू शो दिस। ओके ओके, थैंक यू। बाय। या सुप्रिया। या और पार्क के अंदर एक सुविनियर शॉप भी, जहाँ पर आप खरीद सकते हैं अपने दोस्तों के लिए जो आप खरीदना चाहें। और ये एक मूर्ति बड़ी अच्छी है यार। ये समझ लीजिए छोटा सा स्टैचू है, जो बड़ा स्टैचू है इसका मिनिएचर ऑफ गरुड़ा विष्णु केनकाना स्टैचू। केनकाना बेसिकली ये प्लेस को बोलते हैं, मैंने पूछा था एक लोग से कि केनकाना क्या है। तो ये जो सुविनियर शॉप है, ये काफ़ी चीप है, और मैंने अपने घर के लिए और फ्रेंड्स के लिए यहीं से शॉपिंग कर लिया है, और शॉपिंग का प्राइस हुआ ये, तो मैंने किया है 505,000 रुपीज़ का शॉपिंग इनकी करेंसी में। त्रिमाकासी। मैंने हॉस्टल के लिए मंगा लिया है गोजेक बाइक टैक्सी, और इसी के साथ मैं ख़त्म होता आज का ये छोटा सा टूर। शॉपिंग भी काफ़ी कर लिया, अब मैं निकल रहा हूँ अपने साथ गोजेक।
फाइनली आ गए अपने हॉस्टल और आज का दिन रहा एकदम मस्त गजब। तो अब लास्ट टाइम मैं कराने जा रहा हूँ अपनी करेंसी चेंज US डॉलर से INR में, और साथ ही साथ हम लोग ने कल लास्ट डे जो हमारा यहाँ पर है उसमें हम लोग ने नूसा पेनिडा का टूर भी बुक कर लिया है, तो बस फटाफट करेंसी एक्सचेंज करा के जाते हैं हॉस्टल।